प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तक भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक्सेलरेशन पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में? जी सर। एक्सेलरेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जा रहा है और एक्सेलरेशन बेसिकली उस पर उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, तो उस एक्सेलरेशन को फिर हम एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डीसेलरेशन कहते हैं। और डीसेलरेशन के केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन की थी। अभी हम एक हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी। जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को अभी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, एक कार, एक सेकंड, अब आ रही है स्क्रीन? जी अब आ रही है ना स्क्रीन? जी सर, ये आ गई सर। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास एक कार है और ये कार का कैसा व्यू हम ले रहे हैं, टॉप व्यू, हम इस कार को ऊपर से देख रहे हैं। ये कार वी की वेलोसिटी से राइट हैंड साइड के ऊपर जा रही है और हमने इस कार के ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई की इसी डायरेक्शन में। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन अप्लाई की होगी तो क्या आप लगा होगा, एक्चुअल में फोर्स लगा होगा उसी डायरेक्शन में लगा होगा जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हमने अप्लाई जिसमें इसकी वेलोसिटी है। ये बताइए, ये एक्सेलरेशन इसको क्या लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करेगा या नहीं करेगा? जी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मेरा सवाल ये है कि क्या इस वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि किस तरफ है इस वक्त, राइट, क्या इस एक्सेलरेशन को लगाने से इज देयर एनी चेंज इन डायरेक्शन, क्या किसी तरीके से इसकी डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज आएगा? नो सर, नो, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। किसी को कोई सवाल पूछना है इसमें, क्या एक्सेलरेशन इस तरह लगाने से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा, ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, यानी राइट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती रहेगी। लेकिन अब मुझे एक सवाल का जवाब और दो। मान लो यहाँ इसकी वेलोसिटी थी 20 meters per second, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या 20 meters per second होगी या चेंज हो गई होगी? जी, बी पॉइंट पे पहुंच के कार की वेलोसिटी क्या अभी भी 20 meters per second है या चेंज हो गई होगी? सेम हो गया थी। एक्सेलरेशन लगा है हमें। अच्छा, एक्सेलरेशन लगा है, फिर चेंज हो गई होगी। चेंज हो गई होगी। अच्छा, चेंज हुई होगी तो चेंज मतलब कैसा चेंज हुआ होगा, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी? जी हाजरा, बिल्कुल सही कह रही है बेटा आप। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच के, देखो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन इंक्रीज, उसी डायरेक्शन में लग रही है हमें जिसमें वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन जब उस डायरेक्शन में लगती है जिसमें वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी उस केस में, वेलोसिटी उस केस में इंक्रीज हो जाती है। या सिंपल लैंग्वेज में और मैं जरा स्पेसिफिक लोगों के बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये वैल्यू लेट से 20 से क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी, क्या रहेगी,
सेम रहेगी, डायरेक्शन में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? एक कार थी राइट साइड पे जा रही थी, हमने इस पे राइट साइड पे ही फोर्स या सिंपल राइट साइड पे हमने उस पे एक्सेलरेशन लगाई, ये गाड़ी अभी भी राइट साइड पे ही ट्रेवल करती रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सर जी सर प्रैक्टिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में, एग्जांपल बताएं किस तरह होगी? जब हम गाड़ी को सीधा चला रहे हैं और हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो एक्सेलरेटर गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में क्रिएट करता है जिसमें हमारी गाड़ी चल रही है। तो उस एक्सेलरेटर को दबाने से हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बस सिंपल। या दूसरी चीज, एक बच्चा एक टॉय कार में चलता हुआ बैठा हुआ जा रहा है, वो अपनी टांगों से एक टॉय कार को आगे की तरफ लेके जा रहा है, तुमने भी उसको पीछे से धक्का लगाना शुरू कर दिया, अब बताओ उस बच्चे की टॉय कार की स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। सिंपल, वही एग्जांपल। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने जो धक्का लगाया, क्या उस धक्का लगाने की वजह से उसकी गाड़ी इधर उधर मुड़ जाएगी? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं। जी एनी क्वेश्चन एनीवन? किसी और को सवाल पूछना है कोई? जी ये सेंटेंस पढ़िए, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज बट नो चेंज इन डायरेक्शन। सब एग्री करते हैं सेंटेंस से, या किसी को कोई इश्यू है इसमें तो पूछ लीजिए। एनीवन? नो सर। जी जैन, आफिया, अजान, चांदनी, बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है? ईमान, मौज, कुरतुलैन, नवाल, नाफे, माज, वजीहा, अहमद, किसी बच्चे को कोई सवाल करना है भाई? वलीद साहब, नो इशू? ठीक है, तो हमने एक बड़ी सिंपल सी चीज देखी है हामिस, कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड केस देखिए जी, एक्सेलरेशन के अंदर तो खुद वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, क्योंकि अलग से वेलोसिटी, दो दो वेलोसिटी और टाइम नहीं आ रहा, वो वेलोसिटी नहीं आ रहा, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ रहा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, उस चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा जी। तो वो चेंज इन टाइम ही तो क्या है एक्चुअल में, एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अब चेंज कैसा होगा हमें, जरूरी तो नहीं है कि चेंज इंक्रीज और डिक्रीज ही हो, दोनों हो सकते हैं। इस केस में क्या चेंज आ रहा है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज होने में यकीनन कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा जी। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सेकंड केस में अगर तो देखो, लेट्स से ये वही गाड़ी है, वही राइट साइड पे जा रही है, ये इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकंड मान लो टुवर्ड्स राइट, और इस दफा मैं इस पे एक्सेलरेशन ऐसे ही लगाऊं। ऐसे एक्सेलरेशन लगाने का मतलब ये है कि यकीनन मैंने इस डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या लगाई होगी, फोर्स लगाई होगी, जब भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुई है। अब ये गाड़ी ट्रेवल करते 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 यहां तक पहुंची, अभी भी बाय द वे किस साइड पे ही जा रही है, ये टुवर्ड्स राइट ही जा रही है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी के उल्टी डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी के अंदर किस किस्म का चेंज देके आएगी?
क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये बढ़ाएगी या ये कम करेगी? इंक्रीज होगी, कम करेगी, कम कर देगी सर, डिक्रीज कर देगी। लेट्स से हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जो एक्सेलरेशन है इस एक्सेलरेशन को फिर हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? डीसेलरेशन। अब हम डीसेलरेशन को छोड़ के अगर जरा एक मिनट के लिए बात प्रॉपरली करें तो हम कुछ इस तरह कहेंगे कि अगर इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, इन दिस केस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा। ये बताइए डायरेक्शन पे क्या चेंज आएगा? डायरेक्शन सेम रहेगी। बिल्कुल सही है, तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन को फोर्स ले लें, एक फोर्स लग रही है बस। बेसिकली फोर्स ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है हमें। हाँ ये तो पता है, अब हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी होगी, तो आंसर ये है कि हमें फोर्स या एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लगानी है जिसमें वेलोसिटी लग रही है, चल रही है, तो आपके पास स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हमने कहा कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम करनी है तो हमने कहा सिंपल तरीका यह है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में उस पर फोर्स या एक्सेलरेशन लगा दो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी, सिंपल। ठीक है जी? जी सर। एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई सवाल है इसमें? अच्छा, अब तीसरे केस में देखिए, अगर एक गाड़ी सीधा जा रही है राइट साइड, ठीक है, नूर कोई क्वेश्चन है तुम्हें? मिसबा, वलीद भाई सब ठीक है? साथ उसामा, मास, असद? नो सर। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि एक ऑब्जेक्ट है वो किस साइड पे जा रहा है? राइट साइड के ऊपर, ठीक है जी, और मैंने इस दफा उस पे जो एक्सेलरेशन लगाई वो एक्सेलरेशन मैंने इस पे 90 डिग्री पे लगा दी। अब क्या होगा? राइट टर्न ये राइट टर्न होने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं आमिस ये ओरिजिनल वेलोसिटी थी, ठीक है, देन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वेरी गुड जैन, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। ये वेलोसिटी थी, हमने इस पे एक्सेलरेशन ऐसे लगाई, ठीक है, एक्सेलरेशन ने हमें यकीनन क्या प्रोड्यूस किया होगा, चेंज इन वेलोसिटी, है ना? जी सर। अब ये मुझे बताओ कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये इस तरह ऐड हो रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? ये यू बन जाएगा, ये है ना, हाइपोटेन्यूज की तरह बन जाएगा। बिल्कुल सही है, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मैंने जब लगाई हूँ तो ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी वेलोसिटी की, और बाय द वे अपने इनर्शिया की वजह से ये गाड़ी अब यूं जाने की कोशिश करेगी, ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, अब आपने क्या किया कि ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, आपने कहा इस पे दोबारा एक्सेलरेशन लगाओ, कैसे कैसे लगाओ, कितने एंगल पे? 90 डिग्री, दोबारा 90 डिग्री पे लगाओ, ठीक है जी, दोबारा 90 डिग्री के ऊपर लगाओ, तो अब यहां से और यहां तक की एडिशन करके बताओ ये गाड़ी किस तरह जाएगी? अब ये गाड़ी कुछ यूं जाएगी, है ना जी? ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, ये भी है इसका नया, गाड़ी अब यूं जाने की कोशिश कर रही है। हमने कहा जी चलो दोबारा से इसके ऊपर 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन लगाओ,
तो आपने दोबारा 90 पे एक्सेलरेशन लगाई। अब बताइए ये गाड़ी किधर जाएगी। अब ये गाड़ी यहां से अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो ये यूं चली जाएगी, ठीक है, सही है ना भाई जी। फिर लगा दीजिए 90 पे एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अब ये यूं चली जाएगी, ठीक है, गाड़ी आई यूं चलती भी आ रही है, ठीक है। फिर आपने 90 पे लगाया, ठीक है, अब ये यूं चली जाएगी। अब मुझे बताओ ये कौन सी मोशन करना शुरू कर गई है, अगर इसको ध्यान सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, हाँ ये सर्कुलर मोशन कर गई है गाड़ी। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन, और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, हामिस, कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है भाई बच्चों। तो हमने एक ऑब्जेक्ट जो था उसकी वेलोसिटी के 90 डिग्री के ऊपर एक्सेलरेशन या फोर्स लगाई और उसको 90 पे ही रखा, रूल क्या है 90 पर ही रखा। तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, चेंज इन डायरेक्शन होता रहेगा, ठीक है जी। चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट किस तरीके की मोशन करना शुरू कर देगा, किस तरीके की मोशन, सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा। लेकिन अब एक सवाल करने जा रहा हूं मैं, एक सेकंड, क्या मुझे बताओ कि मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तुम भी शायद यही सवाल करने लगे थे हामिस, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और यहां कितनी होगी और यहां कितनी होगी, क्या इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। या इसको बहुत बेहतर तरीके से अगर मैं बोलूं तो मैं इस तरह बोलूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पर रहें, गौर से बात सुनिएगा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 90 डिग्री पर रहें, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है सारे में, हम नई फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर ही रहे, तो ऑब्जेक्ट क्या मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा? नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। हाँ, सिर्फ किस चीज में चेंज आएगा, किस चीज में चेंज आना शुरू हो जाएगा, डायरेक्शन के अंदर। एक्सेलरेशन के कई इफेक्ट्स हैं, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेलोसिटी को कम कर सकता है, और एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। Any question, anyone? Sir? जी बोले। Sir, acceleration जो लग रही है, velocity लग रही है, वो एक कार के इंजन से लग रही है। दोनों तो एक ही जगह से प्रोड्यूस हो रही है ना, अगर देखा जाए तो practically। Acceleration, देखो acceleration, देखो velocity तो हमारे गाड़ी में, हमने basically जब गाड़ी start की तो गाड़ी start करने के बाद हमने accelerator दबाया तो accelerator ने force लगाई, यानी acceleration लगाई। अब उस acceleration की वजह से velocity produce हुई, ठीक है। अब हम मजीद एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं तो उसकी वजह से वेलोसिटी क्या होती जा रही होगी, वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा होगा, और वेलोसिटी क्या होती जा रही होगी, आहिस्ता 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 इंक्रीज होती जा रही। फिर तुमने उसी गाड़ी में बैठे बैठे एक्सेलरेटर को छोड़ के क्या दबाना शुरू किया, ब्रेक दबाना शुरू किया। तो ब्रेक जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा या फोर्स बनाएगा, वो जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही थी उसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगा ब्रेक, तो उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी सीधी जा रही है और एकदम से तुमने अपना स्टीयरिंग मोड़ दिया, तो स्टीयरिंग मोड़ने से फोर्स वेलोसिटी के बिल्कुल कैसे लगेगी, 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी, यानी एक्सेलरेशन भी 90 डिग्री में होगा, तो वो गाड़ी क्या होना शुरू हो जाएगी, क्या होना शुरू हो जाएगी, टर्न होना शुरू हो जाएगी। और अगर तुमने उस स्टीयरिंग को उसी जगह पे ही छुप रखा पकड़ के, तो गाड़ी फिर कौन से मोशन में घूमना शुरू हो जाएगी, सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रहेगी, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना यहाँ पे, सर्कुलर मोशन में घूमते हुए देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है साथ साथ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, डायरेक्शन,
एक्सेलरेशन, देखो देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर है, तो वेक्टर के पास क्या चीज भी होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों केसेस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन नीचे वाले केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, देखो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा भी है मैंने, लेकिन नीचे वाले केस में एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी के किस चीज को चेंज किया है, डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज किया, बात समझ में आ रही है जी, आता है क्या, क्या कह रहे हो, को समझ आता है कि अपना सर्कुलर मोशन में हम लोग को दिखाना होता है, फिर बताना होता है कि सर्कुलर मोशन में घूमेगी, ये जो मैंने इस तरह बनाया जी, नहीं नहीं इस तरह नहीं बनाने को आता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, तो कुछ ख्याल आता है कि जिसमें बना हुआ हो और हमें बताना है, MCQ ऐसा अक्सर आता है कि if an object is experience acceleration right angle to its velocity, अगर एक object जो है वो एक acceleration को experience कर रहा है right angle to its velocity, what happened to the magnitude of velocity and what happened to its direction, तो अगर एक object पे acceleration उसकी velocity के right angle पे लग रही है, 90 degree पे लग रही है, तो बताइए उसके magnitude में क्या change आएगा और इसकी direction में क्या change आएगा, ऐसा MCQ आता है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन किस चीज में चेंज आएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। रहीन कह रही है तो स्पीड इवेंचुअली जीरो हो जाएगी, नहीं रहीन, अगर आप एक्सेलरेटर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो है कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें क्रूज टॉनिक का फंक्शन है, तो वो क्रूज टॉनिक का फंक्शन आप करके अगर आप उसको घुमाती रहोगे तो वो रेस्ट में नहीं आएगी, वो उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी, या अगर तुमने कभी कहीं देखा हो सर्कस में जो लोग वो चलाते हैं कुएं में गाड़ी, वो भी सर्कुलर मोशन ही कर रही होती है और उसकी वो एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर ले जाके उसकी स्पीड को वो लॉक कर देते हैं ताकि फिर वो उसी जगह सर्कल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो स्पीड तब जीरो होगी जब तुम एक्सेलेरेटर छोड़ दोगी अपना, सर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी क्या, मतलब इसमें एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लग रही है वो तो कांस्टेंट रहेगी, नहीं सर अगर गोल घूमे जैसे सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, हाँ एक्सेलरेशन, देखो हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर हमें डिफरेंशिएशन बेसिकली कैलकुलस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों करनी पड़ती है, तो वो हमारे ना सिलेबस का हिस्सा है ना ही हम उसको डिस्कस करेंगे, हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसी चल रही है, यूनिफॉर्म चल रही है, ठीक है, और किसी को कोई सवाल, रहीन कोई और चीज पूछनी है बेटे आपको, आंसर क्लियर हुआ है या अभी भी इशू है, देखो प्रैक्टिकल केसेस में ना हमारे पास गाड़ी में फ्रिक्शन भी काम कर रही होती है, गाड़ी में एयर रेजिस्टेंस भी काम कर रही होती है, यहाँ तो हम एक आइडियल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में फिर बहुत सारी और फोर्सेस आ जाती है ना, वो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, लेकिन हम लोग अगर एक बेसिक थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं कि इस चीज का ये इफेक्ट है, इस चीज का ये इफेक्ट है, तो उसके लिए हम जो है ना वो डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल करूं, मुझे एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है तो मुझे उसकी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगानी होगी उसकी डायरेक्शन क्या रखनी होगी, क्या वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन रखनी होगी या अपोजिट रखनी होगी, तो आप आंसर देंगे सर सेम रखें तो उसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, फिर मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मुझे एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कम करनी है तो मैं उस पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगाऊं, आप क्या बोलेंगे सर उस डायरेक्शन में लगाइए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके उल्टी डायरेक्शन में लगा दीजिए, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि मुझे गाड़ी की स्पीड को चेंज नहीं करना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहना है कंटिन्यूसली, तो मैं उस पर एक्सेलरेशन कैसे लगाऊं, तो आप बोलेंगे सर सिंपली उस पर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लगाइए तो ऑब्जेक्ट जो है वो बस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा और उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक्सी एक्सेलरेशन को अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ओ लेवल्स में क्या बोला था, इसका नाम रखा था हमने, इसको कहते हैं हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन,
जिसका कॉज होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर किसी ने वो लेवल्स में सुना हो। यस सर, सुना है। ठीक है सर, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स जो, तो सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल जिसने भी बताई है गलत बताई है, सेंट्रीफ्यूगल इज नो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स होती है, सूडो मींस जाली, जाली फोर्स, जिसने भी बताया गलत बताया है। सेंट्रीफ्यूगल मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, कोई फोर्स नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, अगर आप गूगल भी करके देख लेना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो गूगल भी आपको ये बताएगा कि ये एक सूडो फोर्स है, सूडो मींस जाली। ठीक है, हाँ भाई, तो किसी को और कोई सवाल करना है इसमें? जी बच्चों, अच्छा, तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे सारे के सारे। अच्छा जी, तो हम लोगों के सिलेबस में जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हमारे सिलेबस में है यूनिफॉर्म, या हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ऐसी एक्सेलरेशन जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो, उसको हम यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होता है? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इफेक्ट ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़े या कम हो या चेंज हो सिंपल लैंग्वेज में, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार है, वो ए से बी गई, बी से सी गई और फिर सी से डी गई। ए पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकंड, 2 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर्स पर सेकंड, 4 सेकंड्स के बाद उसकी मजीद 2 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर्स पर सेकंड, अगले 2 मजीद सेकंड यानी 6 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे ए से बी, बी से सी, सी से डी, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसकी वो निकाले एक्सेलरेशन, बाय द वे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये बी से सी भी 2 सेकंड्स का टाइम है लेकिन ए टू सी कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से सी से डी भी 2 सेकंड्स का ही टाइम है लेकिन ए से लेके डी तक कितना टाइम हो गया, 6 सेकंड्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन निकालें तो वो कितनी आएगी, यहाँ पे 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगी। और वो ये बता रही है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट की हर स्पीड हर 2 सेकंड्स के बाद 10 10 10 10 बढ़ती जाती है, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि हर एक सेकंड में पर सेकंड कितनी बढ़ती जाती है, 5 5 5 5 5 5 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर तुम इसको बीच से तोड़ दोगे तो ये 1 1 सेकंड का जब गैप लोगे तो ये 10 की 15 होगी, फिर उसके बाद बीच में 25 होगी, फिर 30 होगी, फिर 35 होगी और फिर 40 हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डेफिनेशन हम इसकी कैसे बनाते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। सर रिपीट कर दो। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, such object has uniform, such object has uniform or constant acceleration।
तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सुवार्ट इक्वेशंस, ठीक है जी। तो ये सुवार्ट इक्वेशंस क्या होती हैं और क्यों हम इनको सुवार्ट इक्वेशंस बोलते हैं, तो इस चीज को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा एक इसको कॉपी कर लीजिए फिर मैं आगे चलता हूँ, कॉपी कर ले पर। क्वेश्चन जी हो गया कॉपी सर, आपने ब्लू में क्या लिखा है, स्वार्ट। ठीक है जी, चलो जी आगे चलो मैं जी सर। अच्छा जी, स्वार्ट इक्वेशंस हमारे पास कितनी होती हैं, तो देयर आर फाइव स्वार्ट इक्वेशंस जो हम लोग डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन पे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन जो हमें मिलेगी जो कि एक्सेलरेशन से बनी हुई है, ठीक है, दैट इज वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास v जो होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम, और ऑब्वियसली s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन ये है। द सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू वी टी माइनस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन जो हम देखेंगे दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन हमें दिखेगी एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। सबसे लास्ट इक्वेशन है फिफ्थ वन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पांच इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये पांच इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी सारी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस फॉर्मूले में हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, तो उसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि जनाब आप अपने डेटा में अपने क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे कि किस क्वांटिटी का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं हुआ है। जिस क्वांटिटी का बिल्कुल भी जिक्र आपके डेटा में नहीं हुआ होगा, ठीक है, बस वो इक्वेशन आप आगे लगा दें। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो इस पहली इक्वेशन के अंदर कौन सी क्वांटिटी, ये जो मैंने पांच क्वांटिटीज आपके सामने लिखी हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इससे कौन सी क्वांटिटी का कोई जिक्र नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन में किसका कोई जिक्र नहीं है,
इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड में किसका जिक्र नहीं है? फाइनल वेलोसिटी। फोर्थ में किसका जिक्र नहीं है? एक्सेलरेशन। और लास्ट वाली में किसका जिक्र नहीं है? टाइम। टाइम का जिक्र। तो ये इसी तरीके से क्या बन जाता है फिर हमारे पास? SWOT इक्वेशंस बन जाता है। ठीक है जी, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसका पर्पस क्या होता है? अभी पता चलेगा आपको पर्पस। दुनिया में हर चीज का पर्पस होता है यार। सर एडमैस का क्या पर्पस है? एडमैस का पर्पस ये है कि आप एडमैस पढ़ने के बाद फर्दर मैथ्स पढ़ेंगे, फर्दर मैथ्स पढ़ने के बाद आप एक्चुअरियल साइंसेस करेंगे। अच्छा जी, कॉपी हो गए इक्वेशंस? है भाई? यस जी सर। ओके चलो, लेट अस फाइंड आउट द पर्पस ऑफ दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का क्या पर्पस है? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एमसीक्यू का, अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड। अच्छा, मैंने एक चीज आपको सॉरी बताना भूल गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर क्वेश्चन पे आए। ये तमाम इक्वेशंस लगाने के लिए एक चीज जरूरी है, वो जरूरी चीज क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आपने ये सारी की सारी इक्वेशन में से कोई इक्वेशन भी इस्तेमाल करनी है, सुनिएगा बात ध्यान से, तो आपकी एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आपकी एक्सेलरेशन ही जीरो हो तो क्या करेंगे आप? अगर आपकी एक्सेलरेशन ही जीरो हो तो क्या करेंगे? तो आंसर ये, कुछ नहीं करेंगे, ये सब इक्वेशन बेकार हो जाएंगी। सीधी सीधी इक्वेशन लगेगी वी इज इक्वल टू एस। That's it. Is that point clear? Sir, कौन सी equation लगेगी अगर acceleration zero होगी? अगर acceleration zero होगी तो basic equation लगेगी, velocity is equal to displacement upon time. That's it. ठीक है? लेकिन अगर सवाल में acceleration है और uniform है तो फिर आप ऊपर वाली equation। सही है भाई? जी सर, कांस्टेंट होनी चाहिए ना बस। हाँ, बस कांस्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब आप ढूंढिएगा, सबसे पहले जब डेटा पढ़ें तो ये ढूंढिएगा कि किस क्वांटिटी का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड, द रोड हैज अ मार्क पोस्ट। तो रोड पे मार्क पोस्ट लगे हुए हैं। मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है और ये चल रही है एक रोड के ऊपर, और रोड पे जो मार्क पोस्ट लगे हुए हैं, ठीक है, द रोड हैज अ मार्क पोस्ट एवरी 100 मीटर, यानी दोनों मार्क पोस्ट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। व्हेन द कार पासेस वन पोस्ट इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इसकी कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ट्रेवल करती 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 नेक्स्ट पोस्ट तक पहुंची, ठीक है, तो इसकी कितनी स्पीड हो गई? कितनी स्पीड हो गई? 20 meters per second। What is the acceleration of the car? कार की क्या acceleration? अभी बताओ, इस पूरे डेटा में किस चीज का कोई जिक्र नहीं दिखाई दे रहा? टाइम का कोई जिक्र नहीं। जब टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो कौन सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम का जिक्र नहीं होता? लगा देते जी। तो इक्वेशन हमारी कैसे लगेगी? लेट्स फाइंड आउट।
ठीक है जी। इक्वेशंस याद करनी पड़ती हैं। नहीं बेटा ये मैं आपको एंड में फर्रे में लिख के ला के दूंगा। लालसी बातें याद करनी पड़े। इस तरह एडवांस में कुछ इक्वेशंस लिखी हुई आती थी ना सर। देखो ये ऑनेस्टली मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, ये हमारे पेपर में इसमें से तीन इक्वेशंस जो है हमारे पेपर में दी भी होती है। एक मिनट मैं दिखा देता हूं कौन सी वाली दी होती है, जस्ट अ मिनट मैं वो भी दिखाता हूं। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर नहीं करता कि आप इसको याद ना करें, क्योंकि एक्चुअली में जब तक आप इन इक्वेशन को याद नहीं करेंगे ना, जब आपको डेटा मिलेगा ना किसी सवाल का, तो आपको प्रॉब्लम रहेगा कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा। हाँ अगर आपको इक्वेशन याद है तो फिर आपको पता होगा कि जी हाँ जी मुझे वो वाली इक्वेशन लगानी है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, याद ही नहीं है इक्वेशन, तो फिर आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं और कौन सी इक्वेशन नहीं लगाऊं। ठीक है जी। तो ये दिख रहा है पेपर की डेटा बुकलेट दिख रही है आपको? जी सर। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की आपको दो इक्वेशंस के मैंने से कौन कौन सी की मैंने s is equals to ut plus 1 upon 2 at square और v square is equals to u square plus 2s, वो obviously मैंने v square minus u square लिख दिया। तो ये दो equations given, तो ये given होती है paper में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं suggestion ये नहीं दूंगा आपको कि ये equation आप जो है याद ना करें। तो please do remember these equations, okay? ठीक है भाई? जी सर। अच्छा जी, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। v square minus u square is equals to 2as, ठीक है जी। v हमें कितना गिवन है, 20 square minus initial velocity कितनी थी, 10 square is equals to 2, a हमें निकालना है, और s कितना लेंगे हम 100 meters का, तो ये 200 हो जाएगा, 20 का square minus 10 का square divided by 200, क्या आंसर आ रहा है? 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है acceleration कितनी आ रही है, 1.5 meters per सेकंड स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है भाई जी, बच्चों समझ में आई है इक्वेशन लगानी? जी सर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम टू टाइम तुम लोगों को इक्वेशंस मिलती जाएंगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग जो है डेटा की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसकी लगाते चले जाएंगे। ठीक है जी, लेट अस टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन चलो करते हैं। सर आप ऐसे उसमें हम लोगों को कोई सभी यूनिट चेंज करना हो, आप ऐसा कोई सवाल कर रहे हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कि हम लोगों को मीटर को किलोमीटर को मीटर में करना हो, इस तरह से कुछ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, इतना पड़ेगा, ऐसा सवाल एक आया हुआ तो था, मुझे याद तो है। लेकिन अभी थोड़ा सा, चलो ये लो आगे। 14, ऑन ए पर्टिकुलर रेलवे और ट्रेन ड्राइवर स्टॉप्स अप्लाइज ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन द ट्रेन एट येलो सिग्नल अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम रेड सिग्नल व्हेन इट स्टॉप। तो एक ट्रेन चलती है और ट्रेन में जैसे येलो सिग्नल आता है तो ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, और रेड सिग्नल पे जाके ट्रेन स्टॉप हो जाती है, जबकि येलो से रेड सिग्नल तक का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जी सर। द मैक्सिमम डीसेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.2 meters per second। तो मैक्सिमम डीसेलरेशन हमें कितनी गिवन है, 0.2 meters per second। By the way, अगर रेड सिग्नल पे जाके ट्रेन स्टॉप हो जाती है तो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी हो जाती होगी, फाइनल वेलोसिटी? जीरो। 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, assuming uniform deceleration, what is the maximum safe speed of the train at the yellow signal? तो बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेन रेड सिग्नल पे रुक जाए तो हमारी ट्रेन की कितनी स्पीड होनी चाहिए येलो सिग्नल पे कि वो रेड पे जाके 1 किलोमीटर ट्रेवल करके एग्जैक्टली वहां पे रुक जाए। अगेन इस क्वांटिटी का डेटा में किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं दिख रहा। भाई टाइम, फिर टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है कि इतनी देर लगेगी, ये होगा वो होगा,
उसने कहा जी कि येलो पे ब्रेक दबी और येलो और रेड के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना है, 1 किलोमीटर का है, ठीक है जी। अब 1 किलोमीटर का क्या मतलब है, कितना डिस्टेंस हो गया, ये 1000 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया, 1000 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। इक्वेशन लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन ये बताओ कि ये फाइनली रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है 2। डीसेलरेशन कितनी है, अच्छा बाय द वे डीसेलरेशन है तो इसको 0.2 लिखूं या माइनस 0.2 लिखूं, माइनस 0.2 बेटा जब लिखेंगे ना सॉल्यूशन में हम इस तो उसका माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो माइनस और ये इनिशियल वेलोसिटी का माइनस कैंसिल होगा। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भाई वो वहां से वहां तक, 1000 मीटर का। कैन एनीवन गिव मी द आंसर, कौन पूछा था कन्वर्जन वाला सवाल, सर मैं हाजरा। हाजरा बेटा अब एक तुम एक काम करो, मुझे एक बात ये बताओ कि 400 मीटर्स पर सेकंड किलोमीटर्स पर आवर में कितना होता है और 20 मीटर्स पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, पहले बताओ कि 20 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, बताओ जरा। हाजरा कैसे कन्वर्जन होती है मीटर पर सेकंड की किलोमीटर पर आवर में, जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो कैसे कन्वर्जन करते थे, याद है मैंने इसका एक शॉर्टकट दिया था आप लोगों को, सर 3.6 3.6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हाजरा जो भी तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हें किलोमीटर पर आवर में आंसर देगा। क्या आंसर आ रहा है, 72 तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको जरा कीजिएगा जरा 3.6 से मल्टीप्लाई, 1440 आ रहा है, कितना 1440 1440। हाजरा कन्वर्जन समझ में आई है जी सर। बेटा जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगी तो मल्टीप्लाई बाय 3.6 करोगी, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आओगी तो डिवाइडेड बाय 3.6। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है ये आप देख लीजिएगा क्योंकि वो 3600 होता है उससे इस तरीके से करते थे हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आंसर ठीक हो सकता था, आपकी ट्रेन 1440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन है कोई रॉकेट लॉन्चर थोड़ी चल रहा है जो 1440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंसिबली भी आंसर्स को देखना होता है हमें, 72 किलोमीटर पर आवर हो सकते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर हो सकते हैं, लेकिन 40 तो नहीं हो सकता ना यार, ठीक है भाई। किसी को कोई सवाल करना है, चल यहाँ क्लास पे एंड कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।